एंजल्स, वेलकम बैक टू द पर्ल्स फैशन वर्ल्ड। और कैसे हो आप लोग? मैं तो आज बहुत अच्छी हूँ। तो आप लोग समझ चुके होंगे कि आज की जो वीडियो है वो बेसिकली हिंदी में है और ये एक चिटचैट काइंड ऑफ वीडियो है, बिकॉज मैं काफ़ी टाइम से सोच रही थी आप लोगों से बात करना, क्योंकि अब आप लोग भी मेरी फैमिली हो और यूट्यूब फैमिली मेरे को खैर बहुत पसंद है। तो मैंने सोचा कि क्यों ना आज मैं अपने सब्सक्राइबर से आप लोगों से वन ऑन वन चिटचैट करूँ, ताकि आप लोग मैं थोड़ा सा और ज़्यादा कनेक्ट कर सके एक दूसरे से। तो मैंने सोचा कि क्यों ना मैं आपसे थोड़ी सी बातें करती हूँ, अपने बारे में बताती हूँ और मैं क्या सोचती हूँ चीज़ों को लेकर के। तो आज जो टॉपिक है बेसिकली जिसके ऊपर मैं आपसे बात करने वाली हूँ, वो जो टॉपिक है, मैंने देखा है कि आजकल की जनरेशन बहुत ज़्यादा फेस कर रही है। स्पेशली मैं तो यार आजकल ऑनेस्टली बताऊँ तो बहुत ज़्यादा फेस कर रही हूँ। जैसे होता है कि हम इस एज में आए हैं जहाँ पे यू नो टीन एजर्स लेके और लेट ट्वेंटीज़ तक जब तक बेसिकली आपकी शादी नहीं होती है, तो थोड़ा सा होता है कि आपके पेरेंट्स आजकल अनबन रहते हैं। स्पेशली ये जो जनरेशन है, तो मैंने सोचा इसी के बारे में मैं आपसे थोड़ी सी बात करती हूँ और अपने व्यूज़ बताती हूँ। सो फ्रेंड्स, जैसे ये प्रॉब्लम हम लोग सब फेस करते हैं, एंड आई एम श्योर कभी ना कभी आपने भी चाहे थोड़े बहुत लेवल पे ये फेस ज़रूर करी होगी। जैसे अगर आपकी पसंद उनकी पसंद नहीं है, आप जो कपड़े पहनते हैं उनको पसंद नहीं आता, वो कहते हैं आप ये कपड़े पहनो या ये करो, और आपको वो लगता है कि नहीं ये ठीक नहीं है यार, या आप अगर कुछ करते हो स्पेशली करियर को लेकर के, हम मैं करियर ऑप्शंस की बात करूँ तो जैसे कि आजकल इतने सारे करियर ऑप्शंस हैं हमारे पास, और हम बेसिकली जो न्यू जनरेशन के लोग हैं वो हर फील्ड में एक्सप्लोर करना चाहते हैं, बट हमारे जो पेरेंट्स होते हैं बेसिकली वो वही ऑर्थोडॉक्स आइडियाज़ होते हैं, मैं ऑर्थोडॉक्स नहीं कहूँगी बट वही जो हमारे पुराने इंजीनियर, आईटी, डॉक्टर, टीचर एंड लॉयर, वही उसी में दे आर लाइक अगर तुम इन पांच फील्ड में से किसी में हो तो ही तुम सक्सेसफुल हो, और अगर तुम कुछ और ऑप्ट कर रहे हो, अगर अब तुम मीडिया की लाइन में जा रहे हो, या अगर मेरा देखा जाए जैसे मैं एंटरटेनमेंट की लाइन में हूँ, तो वो इतना प्रोफेशनली लेते नहीं हैं, तो वहाँ पे हम लोग का बहुत ही कोलैप्स आ जाता है। या और अगर जैसे कि हम लोग गर्ल्स के लिए देखें, गर्ल्स में तो ये प्रॉब्लम्स थोड़ी सी ज़्यादा होती है, जैसे कि अगर कपड़ों का देखें, क्योंकि वेस्टर्न कल्चर जो है वो इंडिया पे बहुत ज़्यादा उसका इफेक्ट है, तो हर किसी के आजकल प्रेफरेंस ये रहता है कि वेस्टर्न क्लोथ्स आर बेटर, बट स्टिल दे आर लाइक पेरेंट्स, क्योंकि बहुत लोगों के हैं, काफ़ी पेरेंट्स काफ़ी कूल भी हैं, बट अभी भी स्टिल अगर ऑल ओवर इंडिया में देखा जाए तो बहुत लोग होते हैं, बहुत पेरेंट्स होते हैं जो अपने बच्चों को मना करते हैं तुम ये मत पहनो, तुम ये मत करो, और साथ ही में मेकअप के लिए कहते हैं, कह रहे तुम कॉलेज जा रही हो तुम इतना मेकअप क्यों लगा के जा रही हो, व्हाई यू कैरिंग अ स्लिंग बैग। तो गर्ल्स के लिए भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ रही है। तो बेसिकली मैं आपको दो तरीके बताऊंगी कि किस तरीके से आप अपने पेरेंट्स से डील करें, एंड आई एम श्योर आपके इस अगर आप ऐसा करेंगे तो आपकी लाइफ में थोड़ा सा स्ट्रेस जो होगा एटलीस्ट जो आपको पेरेंट्स की साइड से मिल रहा होगा वो डेफिनेटली कम होगा। सो गाइस, जो पहली चीज़ है जो मैं आप लोग को बोलूँगी कि आप लोग अपने अंदर डेफिनेटली लाएँ, और मैं श्योर हूँ कि अगर वो होगा तो आपका थोड़ा सा ये जो चीज़ है कम हो जाएगी पेरेंट्स से डील करने में, कि आप अपने अंदर थोड़ी सी एक्सेप्टेबिलिटी लाएँ। मैं मानती हूँ कि कई बार होता है कि हमें ऐसा लगता है कि हम 100% राइट है और वो 100% रॉन्ग है, बट ऐसा कई बार नहीं होता है। समटाइम्स वो एक्चुअली में राइट होते हैं, बट उस टाइम पे सिचुएशन में हम लोग को वो चीज़ दिखती नहीं है, और मे बी आने वाले 3 या 4 साल बाद अगर हम वो चीज़ पलट के देखें तो हमें एक्चुअली में रियलाइज़ होता है कि यार सीरियसली कहीं ना कहीं पेरेंट्स एक्चुअली में ठीक होते हैं। तो थोड़ी सी अपने अंदर एक्सेप्टेबिलिटी लाए। मैं मानती हूँ कई बार ये पेरेंट्स थोड़ा सा एक्स्ट्रा बोल देते हैं, बट आफ्टर ऑल दे आर पेरेंट्स, तो हमें थोड़ा सा वैसे भी उनके रिस्पेक्ट के नाते थोड़ा सा उनका सुनना भी चाहिए, और थोड़ा सा कई बार ये उनके कहने पर चलना भी चाहिए। एंड आई एम श्योर अगर आप ऐसा करोगे तो कहीं ना कहीं आपको लाइफ में सक्सेस ही मिलेगी, कभी डिफॉल्ट आपका कभी भी नहीं होगा, आई एम श्योर अबाउट दैट। और मैं आपको ये भी कहूँगी कि कुछ हद तक आप लोग अंडरस्टैंडिंग भी बिल्डअप करें अपने बीच में, क्योंकि कई केसेस में एक्चुअली मैं देखती हूँ जहाँ पे बच्चे बिल्कुल ठीक होते हैं और पेरेंट्स थोड़ा सा समझ नहीं पाते हैं। थोड़ा सा पेशेंस लाइए, उन्हें समझाएं, उन्हें आप बताएं, अपने करियर ऑप्शंस बताएं, अपना व्यू पॉइंट बताएं कि आप क्या सोचते हैं, आप क्या करना चाहते हैं, एंड आई एम श्योर दे आर योर पेरेंट्स, दे ऑलवेज लव यू नो मैटर व्हाट, वो आपको ज़रूर समझेंगे, बस थोड़ी सी आपको उनके केस में पेशेंस और अंडरस्टैंडिंग रखने की नीड है। एंड नेक्स्ट थिंग जो मैं बोलूँगी, मैं स्पेशली उन लोगों के लिए बोलूँगी जिनमें थोड़ा सा गुस्सा ज़्यादा होता है और पेशेंस कम होती है, कि मेडिटेशन आप लोग करें। मेडिटेशन एक बहुत 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 अच्छा वे है, मैंने बहुत लोगों को देखा है मेडिटेशन से चेंज होते हुए, स्पेशली अगर मैं कहूँ मैंने अपने आप को यार मेडिटेशन से ही चेंज किया है, क्योंकि ये एज ही ऐसी होती है कि हमें इतना जोश होता है, हमें इतनी पावर होती है, हमें लगता है कि हम कुछ कर जाएंगे, और हमें ज़रा सा कुछ बोलता है और हम एकदम चिल्ला पड़ते हैं, हम ओवर जाके रिएक्ट कर देते हैं, ओवर रिएक्शन दे देते हैं। कई बार ऐसा होता है कि बात बहुत ही छोटी सी होती है, बट जस्ट बिकॉज हमारे गुस्से की वजह से हम ओवर रिएक्ट करते हैं और वो बात जो होती है वो कहाँ से कहाँ पहुँच जाती है, तो मैं समझती हूँ वो सिर्फ
पेरेंट्स के केस में नहीं, वो हमारे जर्नली भी अगर हमारे फ्रेंड्स की बात ली जाए या हमारे कलीग्स की बात ली जाए तो हमारे लिए बहुत बड़ा ड्रॉफॉल है। तो मेडिटेशन एक ऐसी चीज़ है जिसे करके हम अपने पेरेंट्स के साथ और अपनी रिलेशनशिप को बिल्डअप अच्छा कर सकते हैं, और साथ में ही हमारी पर्सनल लाइफ में भी हमें मेडिटेशन बहुत काम आती है। तो मैं मानती हूँ कि आजकल जो जनरेशन है वो बहुत फास्ट है, बहुत आउटग्रोइंग है, और हमारे पास किसी के पास भी टाइम नहीं है, बट एटलीस्ट आप अपने 15 मिनट निकालें, मेडिटेट करें। इवन इफ़ यू नॉट यू नो इफ यू कांट गो आउट, पार्क नहीं जा सकते, आप अपने घर पे अपने बेडरूम में 15 मिनट निकाल के यू नो लिसन टू सम रिलैक्सिंग म्यूजिक, थोड़ा सा मेडिटेट करें, थोड़ा सा अपने पेरेंट्स से जनरली बातचीत करा करें, एंड आई एम डैम श्योर कि आपका रिलेशनशिप डेफिनेटली एक बेटर वे में जाएगा और अच्छा बनेगा। सो फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही, और जैसे कि ये मेरा पहला हिंदी व्लॉग था, मैं उम्मीद करती हूँ कि आप लोग को ये व्लॉग अच्छा लगा होगा, और अगर आप मुझसे और इस बारे में या और अलग टॉपिक्स के बारे में बात करना चाहते हैं, जैसे कि रिलेशनशिप्स हो गए, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड के, इफ़ यू गोइंग थ्रू योर ब्रेकअप, या किसी भी रिगार्डिंग अगर करियर ऑप्शंस के बारे में अगर आप मुझसे बात करना चाहते हैं, प्लीज़ मुझे कमेंट बार में बताएं, मैं डेफिनेटली आपके लिए स्पेशली वीडियो बनाऊंगी। और साथ में अगर आप मेरे से कुछ और तरीके की वीडियो देखना चाहते हैं, क्योंकि मैं फैशन एंड ब्यूटी रिलेटेड वीडियोस भी बनाती हूँ, तो आप मुझे बताएं कि आप किस टाइप की वीडियो देखना चाहेंगे, और आप लोग मुझे हमेशा सोशल मीडिया पे भी ऐड कर सकते हैं, मैं हमेशा आपके लिए अवेलेबल हूँ। ऑल द लिंक्स ऑफ माई सोशल मीडिया आर इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स बिलो, और मैं आपसे अब नेक्स्ट टाइम जल्दी मिलूंगी। तब तक आप अपना ध्यान रखें और अपने पेरेंट्स का ध्यान रखें। बाय बाय, टेक केयर।